Hi everyone, good evening. Welcome to Let's Crack UPSC CSE presented by An Academy. So this is Rajul Srivastav. How's you guys? I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे. Good evening guys. आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर में, वो टॉपिक है फेमस पेंटर्स ऑफ इंडिया. बट इंडिया के फेमस पेंटर्स को पढ़ने से पहले हम लोग जो कल वाला टॉपिक्स था, ओके, विच इज अबाउट द पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ इंडिया, इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स को हम पहले कवर करेंगे. सो आई होप दैट आई एम ऑडिबल, आप लोग मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे होंगे. हाय विद्या, गुड इवनिंग, हेलो ऑल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज अन अकेडमी, एंड यू कैन क्रैक योर यूपीएससी सीएसई विद अन अकेडमी विद वन सब्सक्रिप्शन. जस्ट टेक अ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बिकॉज यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑन एनी एक्सेस. सो जस्ट डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर. Okay, you will get top 100 educators of India. Now there are two type of subscription of An Academy. So यहाँ पर An Academy के आपको दो तरीके से subscription मिलते हैं. One is Plus, another is Iconic. Plus subscription बहुत अच्छा subscription है, but इसके features limited है, because यहाँ आपको live classes, test series, unlimited practice और structured course मिलता है. Okay. बट हम बात करें यदि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे पर्सनल कोच, डेली मेंस, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक. सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बाकी चॉइस इज योर्स. दोनों ही सब्सक्रिप्शन में मेरा ये कोड आरजे लाइव वैलिड है. If you will apply this code RJLive, you will get directly 10% discount. For example, if you take the Unacademy's 24-month subscription, then you will get the 10% discount and your fee will be 96,300. Okay, you can make the payment through EMI as well. Aap EMI se bhi payment kar sakte hain. So here, I want to tell you, yahan pe main aapko batana chahti hu kuch special offers ke baare mein. सिर्फ दो दिन और बचे हैं. आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दैट टिल 31st of October जो भी स्टूडेंट्स GS कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उन्हें ऑप्शनल कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा. ओके, ऑप्शनल कैटेगरी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हम 40 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, और जहाँ मैं आपको सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ. ओके, All right. So start करते हैं session. This is about me, guys. My name is Rajul Srivastav and I am educated on An Academy since 2019. I am teaching here on UPSC, CSE and MPPSC and Pyapum category. So let's start today's session and let's start today's topic, which is famous painters of India. Okay. So let's start today's session. Good evening, all. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर लास्ट लेक्चर की जो बची हुई चीजें हैं, पेंटिंग्स को हमने पढ़ा था. कल हमने राजपूताना स्टाइल और मुगल स्टाइल्स के पेंटिंग पढ़े थे. राजपूताना स्टाइल्स में हमने देखा था कि राजस्थानी स्टाइल पेंटिंग्स कैसे थे, और द वेरी बेसिक थिंग, हमने पेंटिंग्स आर ऑफ टू टाइप, विच इज मिनिएचर पेंटिंग एंड म्यूरल पेंटिंग. तो हमने उन दोनों पेंटिंग्स को भी कवर किया था. ओके, फिर हमने ये देखा था कि जो मुगल स्टाइल पेंटिंग्स थे वो अकबर के टाइम पर किस तरीके के पेंटिंग्स थे, जहांगीर के टाइम पर किस तरीके के पेंटिंग्स थे, एंड शाहजहां के टाइम पर किस तरीके के पेंटिंग्स थे. ओके, बट इन दिस क्लास, अभी इस क्लास में जो है हम लोग कवर करने वाले हैं डेक्कन स्टाइल पेंटिंग के बारे में. ओके, कि जो डेक्कनी स्टाइल पेंटिंग्स थी वो कैसी थी. मतलब अभी डेक्कन रीजन आपको पता है, आपको मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था. सो यू आर वेरी मच अवेयर विद द साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का साउदर्न रीजन विच इज नोन एज डेक्कन रीजन. सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डेक्कन रीजन के बारे में. गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग ऑल. ओके, सो ये वाली जो पेंटिंग थी विच इज डेक्कन पेंटिंग. ओके वेट, ओके, सो ये जो स्टाइल की पेंटिंग्स थी डेक्कन पेंटिंग्स, जनरली आपको जो डेक्कन सल्तनत थी, ओके, हमारे इंडिया के डेक्कन सल्तनत्स में आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिली थी, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डेक्कनी पेंटिंग. नाउ डेक्कनी पेंटिंग आपको कब देखने को मिली, सो दे आर इन द लाइक 16th सेंचुरी की ये बात है, 16th सेंचुरी के आसपास आपको डेक्कन पेंटिंग्स देखने को मिली है. गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग गाइस.
ओके अभी हम बात बताते हैं. सो डेक्कन पेंटिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पर्शियन इन्फ्लुएंस ज्यादा देखने को मिलेगा. ओके सो ये जो है ये पर्शियन आर्ट को लिया है इसमें नॉर्थ इंडिया के साथ, और विजयनगर की वॉल पेंटिंग्स यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है. और ये किससे इन्फ्लुएंस है तो ये पर्शियन पेंटिंग्स ऑफ नॉर्थ से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है. ये जो पेंटिंग है इनमें कई ज्यादा गोल्ड कलर का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, जैसे आप इमेज में भी देख पा रहे हैं दैट लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड वाइट कलर आर यूज. तो यहाँ पर गोल्ड और वाइट कलर का बहुत सारा यूज हुआ है. नाउ अब जो डेक्कनी स्कूल है पेंटिंग का, तो यहाँ पर मुगल और राजस्थानी पेंटिंग आपको दोनों ही देखने को मिलेंगी, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस फ्रॉम बोथ. ये दोनों से ही इन्फ्लुएंस थे. ओके सागर, इफ यू वॉन्ट टू सी द अदर लेक्चर्स प्लीज क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट द लिंक ऑफ प्लेलिस्ट. आपको वहां पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी. ओके चलिए तो हम यहाँ पर बात करें डेक्कनी स्टाइल पेंटिंग्स की. अब ये जो है ये डेक्कन सल्तनत के जो पैट्रोनाइज थे या पैट्रोनर्स थे, जैसे बीजापुर, गोलकोंडा और तंजोर, तो ये सारे रीजन्स में डेक्कनी पेंटिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हुई है. लेट्स स्टडी वन बाय वन. अब हम एक एक करके समझते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजापुर पेंटिंग के बारे में. ये बीजापुर पेंटिंग डेक्कनी स्टाइल पेंटिंग में इनमें क्या डिफरेंट था, ये कैसे बाकी सारे मुगल पेंटिंग से अलग थे. तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नोटेबल वर्क या फिर सबसे ज्यादा एक्सेलेंस वर्क जो किया हुआ है, राम जी मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देती हूँ, लेट मी कंप्लीट दिस एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन. ओके ठीक है, तो हम बात करें बीजापुर पेंटिंग की, राइट. तो बीजापुर पेंटिंग के बारे में सबसे ज्यादा यहाँ पर जिन्होंने अच्छा काम करा है वो है नजुम अल उलूम. ठीक है, तो इन्होंने कई सारे लाइक 400 से भी ज्यादा मिनिएचर पेंटिंग्स इन्होंने बनाए हैं. सो लाइक बहुत फेमस इनके जो पेंटिंग्स है दे आर वेरी फेमस, और 400 से भी ज्यादा है. कई सारे इलस्ट्रेशंस बनाए हैं, और कुछ पेंटिंग्स जो है इनकी वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे हुई है, तो ये लिपाक्षी टेम्पल म्यूरल्स है. क्या है? लिपाक्षी टेम्पल म्यूरल्स. अब म्यूरल्स आपको पता है जो मंदिरों की दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनती हैं, या जो केव्स में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनती हैं उन्हें हम म्यूरल्स कहते हैं. तो जो बीजापुर की पेंटिंग थी या जो नजुम अल उलूम की पेंटिंग्स थी ये किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, तो ये बहुत ज्यादा लिपाक्षी टेम्पल्स में जो म्यूरल्स बने हैं ये उससे ज्यादा हम कह सकते हैं ना कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी. ओके और बेसिकली इसमें आपको विमेन्स ज्यादा देखने को मिलेंगी, तो वो पेंटिंग स्टाइल में बेसिकली क्या है, विमेन्स आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगी. ओके अवनीत वी विल कवर दैट एज वेल. ओके ऑलराइट, द नेक्स्ट इज गोलकोंडा पेंटिंग. अभी हम बात करते हैं सदर्न रीजन की, और सदर्न रीजन में हम बात करते हैं गोलकोंडा वाले रीजन की. सो गोलकोंडा के बारे में बात करें तो कुतुब शाही रूलर्स जो थे वो पैट्रॉन्स थे, यानी कुतुब शाही रूलर्स के टाइम पे ही गोलकोंडा पेंटिंग्स ज्यादा इवॉल्व हुई हैं, ज्यादा डेवलप हुई हैं. अब ये जो पेंटिंग्स थी इनमें आपको ये कई ज्यादा मतलब किस चीज से ज्यादा इम्पैक्ट हुई है, तो गोलकोंडा पेंटिंग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुई है ईरानियन आर्ट से. ओके तो किससे अट्रैक्ट हुए हैं ये ईरानियन आर्ट से ज्यादा अफेक्ट हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द इम्पॉर्टेंट वन, यहाँ पे बहुत सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट गोलकोंडा पेंटिंग जो है वो है द लेडी विद अ माइना वर्ड. तो एक लेडी की पेंटिंग है जिसके हाथ में माइना बर्ड है. ओके अदरवाइज एक और गोलकोंडा पेंटिंग है जो बहुत ज्यादा फेमस है, उसमें एक लेडी हुक्का स्मोक कर रही है. सो लेडी स्मोकिंग हुक्का, दीज आर टू वेरी फेमस गोलकोंडा पेंटिंग. ये दो बहुत ज्यादा फेमस गोलकोंडा पेंटिंग है. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके हो जाएगा राम, एनसीईआरटी से वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, जो बेसिक्स है वो उसमें बहुत सफिशिएंट दिया है, तो यस आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो. ओके आई हैव टोल्ड यू अबाउट द गोलकोंडा पेंटिंग, अब भी हमने गोलकोंडा पेंटिंग के बारे में स्टडी करा. ओके चलिए नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं तंजोर पेंटिंग की. तो तंजोर पेंटिंग्स क्या थी और किस रीजन की ये पेंटिंग्स थी इसके बारे में बात करते हैं. तो ये जो तंजोर स्टाइल की पेंटिंग्स थी
ये गोलकोंडा पेंटिंग्स के टाइम पे ही डेवलप हुई है. लाइक जिस टाइम पे गोलकोंडा पेंटिंग डेवलप हो रही थी उसी टाइम पर तंजोर पेंटिंग्स भी डेवलप हुई. अब तंजोर कहाँ है, तो तंजोर इज लाइक ये तंजोर साउथ इंडिया में. कहाँ पे है तंजोर? सो तंजोर इज इन साउथ इंडिया. तंजोर साउथ इंडिया में है एंड ये 18th टू 19th सेंचुरी की बात है जब तंजोर पेंटिंग इवॉल्व होना स्टार्ट हुई, तंजोर पेंटिंग डेवलप होना स्टार्ट हुई. नाउ चेस विद श्रवण, व्हाट इज योर डाउट, प्लीज आस्क. ओके, तो चलो तंजोर पेंटिंग के बारे में यदि हम बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो यहाँ पे प्योर और ब्रिलियंट कलर्स का यूज करा गया है. ड्राइंग को जो ड्रॉ करने के लिए मटेरियल यूज करा है वो बोल्ड मटेरियल. तो इनकी ड्राइंग्स कैसे थे, इनके ड्राइंग्स काफी ज्यादा बोल्ड थे. ओके, चेस विद श्रवण, इफ आपको बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज विजिट लेक्चर नंबर वन. लेक्चर नंबर वन में मैंने चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं, सब्जेक्ट और टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने बुक्स बताई है, और लेक्चर नंबर वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. अभी हम अगली चीजों पर बात करते हैं. अब हम बात करते हैं कि कई सारी जो पेंटिंग्स थी वो उनमें क्या यूज करा गया है. तो उनमें सेमी स्टोन्स का यूज करा गया, छोटे छोटे पत्थर, या फिर डेकोरेशन के लिए दे यूज पर्ल्स, तो इनमें पर्ल्स का भी यूज करा गया है. या फिर बहुत अच्छी नक्काशी को शो करने के लिए दे यूज ग्लास पीसेस, है ना, कांच के टुकड़ों को यूज करा है, गोल्ड को यूज करा है. तो इसलिए तंजोर स्टाइल की जो पेंटिंग्स थी वो बाकी पेंटिंग्स से अलग थी, क्योंकि बाकी पेंटिंग्स पे तो सिर्फ पेंट का यूज कर रहे थे, बट तंजोर स्टाइल पेंटिंग्स में डेकोरेशन के लिए स्टोन्स, पर्ल्स, ग्लास पीसेस एंड गोल्ड, इन सारी चीजों का भी यूज कर रहे थे. नाउ अब क्या सब्जेक्ट पर ये पेंटिंग हुआ करती थी? सो जो तंजोर पेंटिंग्स हुआ करती थी, जनरली अ गॉड एंड गॉडेस, मतलब देवी और देवता इनका मेन टॉपिक होता था. कई सारे टेम्पल्स में आपको ये पेंटिंग्स मिल जाती थी, और जो मेन फिगर्स था जो हमेशा पेंट करा जाता था वो जनरली गॉड एंड गॉडेस ही हुआ करता था. इज दैट क्लियर एवरीवन? कमेंट्स ऑफ कर दूं? चलो कमेंट्स नहीं देख रही हूँ अब मैं. ओके, सो मेरे एंड से मैं एंड कर रही हूँ, और आप लोग अपने क्वेश्चंस एंड में पूछेंगे. ओके, ऑलराइट, सो तंजोर स्टाइल पेंटिंग क्लियर है, बीजापुर पेंटिंग समझ में आया, गोलकोंडा पेंटिंग समझ में आया. सो यहाँ हमने डिस्कस करा अबाउट डेक्कनी स्टाइल पेंटिंग्स के बारे में. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फोक पेंटिंग. फोक पेंटिंग क्या कहलाती है? ओके, सो फोक पेंटिंग आपको इंडिया के हर रीजन में देखने को मिल जाती है, इन्हें हम लोक चित्रकला हिंदी में कहते हैं. सो फोक पेंटिंग, एवरी रीजन इन इंडियन हैज इट्स ओन स्टाइल. इंडिया में आपको, इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, राइट, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग रिलीजन है, तो इस कारण आपको इंडिया के हर रीजन में एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलता है पेंटिंग एंड आर्ट का, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम कहते हैं फोक आर्ट. नाउ फोक आर्ट जो है, फोक कहाँ पे फेमस होता है? तो फोक फेमस होता है रूरल एरियाज में, राइट. सो जो रूरल फोक पेंटिंग्स हैं इंडिया की, इसमें डिस्टिंक्टिव कलर डिजाइन यूज करे गए हैं, राइट. और जनरली ये पेंटिंग रिलेटेड है विद रिलीजियस एंड मिस्टिकल मोटिव. तो आपको इन पेंटिंग्स में या तो ये रिलीजियस पेंटिंग्स होंगी, या फिर ये कैसी पेंटिंग्स होंगी, ये फिर माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स होंगी. तो आपको वैसी पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं. अब कुछ मोस्ट फेमस फोक पेंटिंग्स है, जैसे मधुबनी स्टाइल पेंटिंग. ओके, मधुबनी स्टाइल पेंटिंग, मधुबनी नाम से एक जगह है बिहार में, और क्योंकि ये पेंटिंग वहां पे बहुत ज्यादा फेमस थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाने लगा, इन्हें मधुबनी स्टाइल पेंटिंग कहा जाने लगा. इसके अलावा यदि हम बात करें तो पटचित्र पेंटिंग, पटचित्र पेंटिंग उड़ीसा की बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है. तो ऐसे आपको, और यस, मधुबनी आर ऑल्सो नोन एज फोक पेंटिंग अवनीत. ओके, सो इस तरीके से आपको ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग फोक पेंटिंग्स देखने को मिलेगी. ओके, ऑल राइट, ओके,
सो लेट्स डिस्कस हियर अबाउट मधुबनी पेंटिंग. ओके, अब हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे. सो मधुबनी पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मिथिला पेंटिंग्स. मधुबनी पेंटिंग को हम मिथिला पेंटिंग्स भी कहते हैं. और ये ट्रेडिशनली विमेंस करा करती थी. किस रीजन की विमेंस करा करती थी? सो जनरली ये जो है मड वॉल, ओके, ये जो कीचड़ वाली दीवारें रहती थी ना, हट की छोटी छोटी झोपड़ी की जो दीवारें रहती थी, उन दीवारों पर ये पेंटिंग बनाई जाती थी और इन्हें मधुबनी पेंटिंग कहा जाता था. सो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई. फिर क्या हुआ? फिर कमर्शियल पर्पस के लिए ये आज क्लॉथ पर होती है, पेपर पर होती है, तो ये अब कई जगह फेमस है और काफी ज्यादा ये इवॉल्व और डेवलप होती जा रही है. ओके, चलिए, अब ये जो पेंटिंग्स हैं ये कन्फाइंड है और इनकी एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल रेंज है. इनकी कुछ फिक्स्ड थीम है, कुछ फिक्स्ड स्टाइल है, राइट? जो थीम है इन पेंटिंग का, इसमें नेम और नेचर और रिलीजियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज मिलती हैं. सो जनरली मधुबनी पेंटिंग क्या शो करते हैं? या तो आपको कोई नेचुरल सीन दिखाएंगे, अदरवाइज आपको वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज के बारे में बताते, या फिर रिलीजन से रिलेटेड वो पेंटिंग्स होती हैं. अब इसमें हिंदू डाइटीज हो सकते हैं, हिंदू देवी देवता हो सकते हैं, जैसे कृष्णा, शिवा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सन एंड मून, तुलसी प्लांट, कोर्ट सीन, वेडिंग सीन्स, सोशल हैपनिंग्स, अदरवाइज सम फ्लोरल पेंटिंग्स, एनिमल, बर्ड्स मोटिव, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, ये सारी जो चीजें रहती है इन्हें यूज करा जाता है पेंट करने के लिए. और साथ में जो गैप रहते हैं, तो यहाँ पे गैपिंग बिल्कुल भी नहीं रहती, वो जो गैप रहते हैं उनको भी फिलअप कर दिया जाता है. ओके, नाउ द स्किल इज हैंडेड डाउन इन द जेनरस एनहेंस द ट्रेडिशनल डिजाइन एंड पैटर्न आर वाइडली मेंटेन्ड. तो ये काफी ज्यादा जेनरस है और कई फिगर में ये मेंटेन है. ओके, ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पेंटिंग स्टाइल जो उड़ीसा में बहुत ज्यादा फेमस है. कहाँ पे फेमस है? तो ये उड़ीसा में बहुत ज्यादा फेमस है एंड दिस इज नोन एज पत्तचित्र. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पत्तचित्र पेंटिंग. अब जो पत्तचित्र पेंटिंग है ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट फोक पेंटिंग्स में से एक है और उड़ीसा में बहुत ज्यादा फेमस है. अब ये जो पत्तचित्र वर्ल्ड है, राइट, इस पेंटिंग को पत्तचित्र क्यों कहते हैं या व्हाट इज पत्तचित्र, ये एक क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर. सो पत्तचित्र के बारे में बात करें, सो पत्तचित्र एक वर्ड है जो संस्कृत वर्ड पत्ता या फिर पत से निकला है. अब देखो, पत, ये जो पट रहता है ना, पट का मतलब क्या रहता है? पट का मतलब होता है क्लोथ, क्या होता है? कपड़ा. और चित्र का मतलब क्या होता है? पिक्चर. तो कपड़े पे बनाने वाली जो पिक्चर होती है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं पत्तचित्र. क्या कहते हैं? पत्तचित्र कहते हैं. ओके, नाउ पत्तचित्र पेंटिंग जो है ये कैनवास पर भी होती है. ओके, बट इसमें काफी ज्यादा कलरफुल होती है, राइट? सो इसमें रिच कलर्स यूज करे जाते हैं, काफी ज्यादा क्रिएटिव मोटिव डिजाइंस होते हैं. ओके, सिंपल थीम्स के पोर्ट्रियाट्स बनाए जाते हैं जनरली, बट इनका मेन फोकस माइथोलॉजिकल और माइथोलॉजी के ही तरफ होता है. नाउ अब हम कुछ पॉपुलर थीम्स की यदि बात करें पत्तचित्र पेंटिंग की, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो बाधिया डिप्लिक्शन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, कृष्णा लीला इनैक्टमेंट, कृष्णा लीला से रिलेटेड पेंटिंग्स मिलती हैं आपको पत्तचित्र में. अपार्ट फ्रॉम दैट हम यदि बात करें तो जगन्नाथ, या फिर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, लॉर्ड कृष्ण की जो चाइल्डहुड आपको रहते हैं, या फिर दशावतार, ये सारी जो चीजें हैं, विष्णु भगवान का 10 अवतार, ये सारी चीजें, पंचमुखी, इसके अलावा लॉर्ड गणेश, 5-हेडेड लॉर्ड गणेश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं. तो ये सारे सीन कहाँ पर होते हैं? ये सारे थीम्स यूज करे जाते हैं ना पट्टचित्र पेंटिंग. नाउ ये जो क्रिएशन होता है ना पट्टचित्र पेंटिंग का, सो जनरली यहाँ पे जो चित्रकार रहते हैं, जो पेंटर्स रहते हैं, वो रिजिडली कलर्स का यूज करते हैं, पैटर्न्स को यूज करते हैं, और इनके कलर टोन कैसे होते हैं? सिंगल कलर टोन्स में ये अपनी पेंटिंग्स को बनाते हैं. ओके,
अभिषेक कुमार, दिस इज नॉट इनफ, बट यस, विद दिस सेशन यू कैन कवर योर बेसिक्स एंड यू कैन मेंटेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. आपको आपके सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी एंड यू नो दैट मीन्स के लिए आपको लॉट्स ऑफ एफर्ट्स चाहिए होते हैं. उसके लिए आप प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. बट यस, आप इसको पढ़ के अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं. ओके, ऑल राइट, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट थिंग. अब आज का हमारा जो टॉपिक था, ओके, सो द टॉपिक ऑफ द डे वॉज फेमस पेंटर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के फेमस पेंटर हमको अभी पढ़ने हैं. ओके, सो इंडिया के फेमस पेंटर्स पर हम बात करते हैं. जनरली यदि हम बात करें तो हमारे इंडिया में बहुत सारे फेमस पेंटर्स हैं. सो देयर आर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेंटर्स इन इंडिया जिन्होंने बहुत सही कंट्रीब्यूशन दिया है वर्ल्ड में, आर्ट के वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में, आप पूरे कॉन्टिनेंट्स में देख सकते हैं. तो इंडिया के पेंटर्स आर वेरी फेमस. आपको इंडिया के पेंटर्स बहुत ज्यादा फेमस देखने को यहाँ पर मिलेंगे. ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पेंटिंग जो है, पेंटिंग की अपने आप में एक डाइवर्स हिस्ट्री है. ओके, इंडिया के आर्ट एंड कल्चर में देखें तो आपको पेंटिंग अलग अलग फेजेस में देखने को मिलेगी. पेंटिंग पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको यही बताया था कि इट स्टार्ट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, राइट, एंशिएंट टाइम से ये स्टार्ट हुई थी. फिर मिडिवल टाइम की अलग और मॉडर्न डेज की अलग पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी. पेंटिंग्स आर ऑफ टू टाइप एज यू नो, म्यूरल्स एंड मिनिएचर्स. सो पेंटिंग दो तरीके की होती है. म्यूरल्स जो दीवारों पर की जाती है, जो एक बहुत बड़े फॉर्म में होते हैं, उन्हें म्यूरल्स कहते हैं. और मिनिएचर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो पेपर पे, लीव्स पर, बार्क पर जो पेंटिंग्स होती हैं उन्हें हम मिनिएचर्स कहते हैं. ओके, सो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को करने का क्रेडिट किसको जाता है, टू द पेंटर्स ऑफ इंडिया, इंडियन पेंटर्स को जाता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरी फेमस पेंटर ऑफ इंडिया विच इज अबिंद्रनाथ टैगोर. ओके, अबिंद्रनाथ टैगोर, ओके, सो ही बोर्न इन 1871 टू 1951. लेट्स डिस्कस अबाउट हिम. सो ही इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ न्यू इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग. जो बंगाली स्कूल है पेंटिंग का, राइट, उसको फाउंड करने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है. ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट पेंटर्स में से एक है. ही वॉज अ मेजर प्रोमिनेंट ऑफ स्वदेशी वैल्यूज ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ आर्ट. इंडिया के आर्ट ट्रेडिशन में स्वदेशी वैल्यूज को एड ऑन करने वाले यही थे. ओके, दैट्स व्हाई ही एडवोकेटेड फॉर द मुगल एंड राजपूत स्टाइल विच कुड स्टॉप द इन्फ्लक्स ऑफ द वेस्टर्न आइडियाज. अब क्या हो रहा था कि लोग काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे, काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे जो वेस्टर्न कल्चर का पेंटिंग स्टाइल था. बट यहाँ पे टैगोर जी ने ही सपोर्टेड, इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा मुगल पेंटिंग्स का, राजपूत स्टाइल पेंटिंग्स का, कि उन्हें बचाया जा सके. ही ऑल्सो रिगार्डेड एज द रिनाउंड राइटर. सो टैगोर जी बहुत बड़े राइटर है, बहुत फेमस राइटर भी हैं इंडिया के. ही फाउंडेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट. तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के ये फाउंडर हैं. भारत माता 1905, इन पासिंग ऑफ शाहजहां 1900. तो ये इनकी मोस्ट ज्यादा हम कह सकते हैं कि नोटेबल वर्क्स में से एक है. ओके, सो इट इज क्लियर, इनके बारे में समझ में आया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेंटर ऑफ इंडिया विच इज अमृता शेरगिल. ओके, सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट अमृता शेरगिल. सो शी कैन बी रिगार्डेड वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट मॉडर्निस्ट पेंटर. तो अमृता शेरगिल कौन थी? अभिषेक कुमार, काइंडली रिफर द लेक्चर नंबर 1. Here, where you will get all the important books related to GS paper 1, okay? Alright, so Amrita Shergill ke baare mein yadi hum baat kare, so considered as the modernist painter, India ki pehle modernist painter mein se ye aate hain. That's why she comes under the prominent painter of India. India ki prominent painter mein se hain, okay? She was educated in Florence in Paris. तो इन्होंने कहा
फ्लोरेंस, पेरिस के फ्लोरेंस में इन्होंने अपनी एजुकेशन ली और स्टाइल को डेवलप करा, राइट? शी वॉज एन एविड ट्रैवलर, शी वेंट टू टर्की, फ्रांस एंड मैनी अदर, राइट? तो ये टर्की, फ्रांस से लेकर कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में गई हैं, ओके? एंड डिराइव हेविली आर्ट, और इन्होंने बेसिकली आर्ट की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है और आर्ट को काफ़ी अच्छे से, कल्चर को काफ़ी अच्छे से समझा है, और ये इनकी पर्सनैलिटी में भी और इनकी पेंटिंग्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। हम यदि बात करें तो तहितन 1937 में, रेड ब्रिक हाउस एक और पेंटिंग थी 1938 में, अपार्ट फ्रॉम दैट द हिल सीन 1938 में, ये सारे इनके स्पेशल पेंटिंग्स हैं, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी पेंटिंग्स में आपको एक डेफिनेट फेशियल टाइप देखने को मिलेगा जो ये शो करता है कि विमेन टेकिंग इनकी जो पेंटिंग्स है वो ये बताती हैं कि विमेन्स भी पेंटिंग में एक चेंज ला सकती हैं। इनकी आर्टिस्टिक वेंचर जो है, आपको इनकी पेंटिंग्स हाइब्रिड नेचर की देखने को मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको इनमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा वेस्टर्न बैकग्राउंड का, ओके? Alright, so this is about Amrita Shergill. Okay, she was the first modernist painter of India. Next thing is Nandalal Bose. Okay, now we have to discuss about Nandalal Bose. Nandalal Bose is considered as one of the best modern painter. India ke ek, hum keh sakte hain ki India ke best modern painters mein se ek the. जनरली इनके बारे में बात करें तो ये टैगोर फैमिली से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ओके? और म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ अजंता, ये दो चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर और इन्फ्लुएंस थे। वन इज टैगोर फैमिली, अनदर इज अजंता, अजंता के जो म्यूरल पेंटिंग्स थे जो कि हमें इनके वर्क में भी देखने को मिला है। अब बेसिकली इनकी जो थीम्स थी ये क्या थी, इंडियन माइथोलॉजी, विलेज या विमेन्स। तो इनके पेंटिंग्स में आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, the paintings related to Indian mythology, the paintings related to women's, right? और ये क्या थे, तो ये कला भवन जो शांति निकेतन में 1922 में, ये उस टाइम पर क्या थे, he was the principal of कला भवन at शांति निकेतन, okay? Okay, now राजा रवि वर्मा, the next painter of India is राजा रवि वर्मा। He was born in Koil, Thampuram, ओके, इन अ रॉयल फैमिली एंड ही इज कंसिडर्ड एज कंबाइनिंग ट्रेडिशनलिस्ट ट्रेड। सो इन्होंने क्या करा है, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को रैशनलिस्ट टेंडेंसीज के साथ और साथ में कुछ मॉडर्न फीचर्स को एडॉन करके कंबाइन करा अपने पेंटिंग स्टाइल में। ही इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिप्लिक्शन सीन्स फ्रॉम द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। सो रामायण और महाभारत के जो हम कह सकते हैं कि कई सारे जो सीन्स हैं इन्होंने उन्हें पेंट किया हुआ है ऑलरेडी, ओके? ही वॉन द फर्स्ट प्राइज इन वेने आर्ट एग्जीबिशन। तो इनको 1873 में वेने में आर्ट एग्जीबिशन हुआ था, वहाँ ही गॉट फर्स्ट प्राइज एंड दिस ब्रॉट हिम टू द लाइम हाइट, और जिससे ने इनके करियर में, पेंटिंग करियर में बहुत ज़्यादा हाइट मिली है। इस पेंटिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू पोर्ट्रेट्स, लाइक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं थियोरेटिकल कंपोजिशन, इंपॉर्टेंट वर्क्स, शकुंतला, लेडी एंड फ्रूट, लेडी विथ फ्रूट, शकुंतला देवी की पेंटिंग ही पेंटेड, अपार्ट फ्रॉम दैट लेडी, एक लेडी की पेंटिंग विथ फ्रूट, ये सारे इनके फेमस पेंटिंग्स हैं, ओके? जामिनी रॉय, द नेक्स्ट पेंटर ऑफ इंडिया, वॉज वेरी रिनाउंड इंडियन पेंटर एंड हु वर्क्स पॉटरी, द प्रिवेलेंस ऑफ द कालीघाट पेंटिंग ऑफ द विलेज, अपार्ट फ्रॉम दैट हिज वर्क डिस्प्लेस पोस्ट इम्पर्सनल स्टाइल। तो आपको लैंडस्केप्स और पोर्ट्रेट्स काफ़ी ज़्यादा इनके देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात कर सकते हैं कि इनकी पेंटिंग्स में आपको कई सारी चीज़ें, कई सारे मॉडर्न ड्रेसेस, रामायणा इनका मेन सब्जेक्ट था, राधा कृष्णा, जीजस क्राइस्ट, दीज आर हर मेन सब्जेक्ट। सो जामिनी रॉय के ये सारे मेन सब्जेक्ट्स थे, ओके? द वेरी वेरी फेमस पेंटर, एंड जब भी हम बात करते हैं इंडिया में और बोलते हैं कि किसी पेंटर का नेम बताइए, तो हर किसी को एक पेंटर का नाम तो मालूम ही होता है, एंड ही इज नन ऑफ द वन, ही इज एम एफ हुसैन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एम एफ हुसैन जी। ही वॉज बॉर्न इन 1915 एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिसाइज्ड आर्टिस्ट। सो ये
इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेंटिंग्स में. सो प्लीज़ एम एफ हुसैन जी के बारे में तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा. ही बिगेन हिज करियर बाय पेंटिंग यूथ सिनेमा पोस्टर्स. तो इन्होंने बड़े बड़े सिनेमा पोस्टर्स को पेंट करके अपना करियर स्टार्ट करा था. ही वॉज अमंग द ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट who wanted to break away from the nationalist tradition of Bengal school. So, इनको ऐसी paintings बनानी है कि जो nationalist tradition है उसको break करा जाए और Indian को जो है काफ़ी ज़्यादा international manner पर India को represent करा जाए. So, this is about M.F. Hussain. Okay guys, so ये हमारी बिल्कुल छोटी सी class थी and soon हम complete करेंगे हमारा art and culture and then हम लोग geography, हिस्ट्री या सोशियो जो भी आप बोलोगे वो स्टार्ट करेंगे. ओके, बिकॉज ऑफ हिज पेंटिंग स्टाइल, बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजी, पीपल क्रिटिसाइज्ड हिम. ओके, विल डिस्कस मोर अबाउट हिम इन नेक्स्ट सेशन अभिषेक. ओके, सो दैट इज ऑल गाइज, थैंक यू सो मच. अच्छा, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि दो दिन आई हैव सम वर्क, तो हमारे क्लासेस लाइव नहीं होंगे, बट डोंट वरी, आई विल शेयर अ रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर यू. सो प्लीज उन रिकॉर्डेड क्लासेस को देखना एंड दो दिन मैं चैट ग्रुप्स को ओपन रखूंगी ताकि मेरे एबसेंस में आपको कोई भी डाउट रहे तो आप अपने डाउट्स मुझे उन चैट ग्रुप्स पर पूछ पाएं. All right everyone, so thank you very much for attending this session and जल्दी से अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाए. ओके, सो फॉर क्रैकिंग अन अकेडमी फॉर क्रैकिंग यूपीएससी सीएससी प्लीज टेक द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन. द कोड इज आरजे लाइव. ओके, तो इस कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड प्लीज शेयर विद अदर्स. आप बाकी लोगों के साथ भी इस कोड को शेयर करें फॉर 10% डिस्काउंट. ओके, यस, यू विल गेट द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम. ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर.